नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। लॉकडाउन में नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। नियमों की उल्लंघना करने वाले दर्जन भर दुकानदारों के चालान भी काटे गए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन न करने वाले और मास्क न लगाने वालों के चालान काटे गए। मोबाइल मार्केट में बड़े पैमाने पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही थी और नियमों की अनदेखी की जा रही थी। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबो की विशेष रिपोर्ट। लॉकडाउन 0.3 जिसमें प्रशासन द्वारा बड़ी राहत दी गई, मगर लोग बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी करते नजर आए। ऐसे लोगों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। प्रशासन ने आज नियमों की अवहेलना करने वाले दर्जन भर दुकानदारों के चालान काटे और जुर्माना भी किया। शहर की मोबाइल मार्केट में दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ जुटी रही। मोबाइल मार्केट में जहां ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे, वहीं दुकानदारों ने भी नियमों की पालना नहीं की। कई दुकानदारों और ग्राहकों ने मुंह पे मास्क भी नहीं लगा रखे थे। नियमों की अनदेखी करने और सरकारी आदेशों को दरकिनार करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। नगर परिषद ने आज दर्जन भर दुकानदारों के चालान काटे और सख्त चेतावनी दी है कि दोबारा नियमों की अवहेलना की गई और इस तरह से नजर आए तो दुकानें बंद करवा दी जाएंगी। आपको बता दें कि फतेहाबाद की मोबाइल मार्केट में हर समय भारी भीड़ जमा रहती है, ऐसे में संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा हो जाता है। अब देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। किस मामले को लेकर के चालान काटे जा रहे हैं और कितने लोगों के चालान काटे हैं अब तक? अभी तक 10-12 दुकानों के चालान काट दिए हैं और ये कोई डिस्टेंस का मैटर है, ये किसी ने आपके अपनी दुकान के आगे खड़े कर रखे हैं, बिठा रखे हैं पैड़ियों पे और अंदर भी घुसा रखे हैं 5-4 बंदे। दुकानों के आगे बाइक खड़ी है, कोई डिस्टेंस मतलब ना ही तो किसी को ये बोल रहे हैं, ना ही कोई मास्क की लगा रखे किसी ने। तो सोशल डिस्टेंसिंग ना होने की वजह से और जो मास्क ना लगाए वजह से उसकी वजह से चालान काटे हैं? हाँ, उसी के। कितने लोगों के ऐसे हैं जो चालान काटे गए हैं? अभी तक 10-12 दुकानों के काट दिए हैं। कितना जुर्माना किया गया है इन दुकानों का? यही कोई जिसके वार्निंग की लगा के, मान लो किसी के 200 रुपये के जिसमें कम मिला है या फिर किसी में ज़्यादा मिला उसमें 500 रुपये का कर दिया है। अभी तक अभी इनको समझा रहे हैं भाई, आगे से अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कम से कम इसको और आगे बढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ये लोग समझ जाएं। क्या नाम है आपका?